morning, dear students. In today's class, we will study page number 107 of lesson 13. In this page number, the first topic is let's write. These are the two rooms of the house. यहाँ पे जो है दो room दिए हुए हैं. किसी भी घर में जो room वगैरह होते हैं, वो room उन rooms के अलग-अलग name होते हैं. तो यहाँ पे दो तरह के room दिए हुए हैं, ठीक है? Color them based on this activity. Complete the paragraphs. आपको यहाँ पे इन दोनों paragraphs को complete करना है और इनमें कलर भी भरना है, ठीक है? इन दोनों पिक्चर्स में आपको रंग भरने हैं. तो पहला पैराग्राफ हम देखते हैं जो दिस इज़ माई रूम. यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज़ माई रूम. इट हैज़ वन विंडो. इसमें एक खिड़की है. द कलर ऑफ माई बेड इज़ ग्रीन. यहाँ पे कलर ऑफ बेड जो है ग्रीन दे देंगे. मैंने ग्रीन लिखा है. आपको जो भी रंग पसंद हो अपने बेड का वो आप दे सकते हैं, ठीक है? देयर आर थ्री पिक्चर्स ऑन द वॉल. यहाँ पे वॉल पे तीन पिक्चर्स हैं, तो वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन पिक्चर्स हैं वॉल पे, ठीक है? इस तरह से आपका ये पैराग्राफ वन कंप्लीट हो जाता है. और आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे. तो इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है ये एक ड्राइंग रूम है, बैठक खाना जिसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे लोग सास घर के सारे सदस्य जो है बैठकर टीवी वगैरह देखते हैं. और ऊपर जो हमने ये रूम देखा ये बेडरूम था, ठीक है? तो अब हम इस रूम को देखते हैं. दिस इज़ अ ड्राइंग रूम. इसको ड्राइंग रूम बोलते हैं इंग्लिश में. इट हैज़ काउच इन इट. यहाँ पे काउच है यानी सोफ़ा है यहाँ पे, ठीक है? वी वॉच टेलीविज़न हियर. हम लोग यहाँ पे टेलीविज़न देखते हैं, मतलब टीवी देखते हैं. सब साथ आदमी साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, ठीक है? उसके बाद इट हैज़ ग्रीन कलर्ड कर्टेंस. यहाँ पे मैंने पर्दे के रंग को भी ग्रीन कलर में रंगा है. आप कोई अपना मनपसंद कलर भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है? कर्टेंस का मतलब होता है पर्दा. घर में जो पर्दे होते हैं ना, खिड़की दरवाजे ये सब में, दैट इज़ कॉल्ड कर्टेंस. इट हैज़ वुडन टेबल. यहाँ पे एक वुडन टेबल भी है, मतलब कि लकड़ी का टेबल भी है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपका ये पैराग्राफ वन एंड पैराग्राफ टू कंप्लीट हो जाता है. आप इस दोनों पिक्चर्स में अपने मनपसंद कलर भरेंगे, ठीक है? और यहाँ इस सेंटेंस में द कलर ऑफ माई बेड इज़ ग्रीन, और इस सेंटेंस में द इट हैज़ ग्रीन कलर्ड कर्टेंस. इसमें आप अपने मनचाहे रंग को भर सकते हैं, ठीक है? मैंने ग्रीन कलर दिया है, आप कोई और रंग भी लिख सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आपका पेज नंबर 107 आज कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट पेज नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे. टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और मन लगा कर पढ़िएगा. और ये जो मैंने करवाया अभी पेज नंबर 107, इसको आप अपनी कॉपी में भी बना लेंगे. ये दोनों पैराग्राफ्स आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.